नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मुझे पूर्ण यकीन करना पड़ रहा है कि दुनिया में नीच जात के लोग भी होते हैं, उनका दिल भी नीच होता है, और तुम इस बात की जिंदा मिसाल हो। ये चंदा रूस का ना, ये जापान का ना, ये अमेरिकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का। फिर जो बच्चा मांग क्या मांगता है, मांगा महाराज, हम कुछ मांगता मांगता नहीं। अगर देता है तो मेरी माँ के लिए सोने के दो मोटे मोटे कंगन दे दे। लड़कों से बात करने का ये ढंग पुराना हो चुका है, कोई नई तरकीब सोची। मैं तो एक छोटे से अस्पताल का छोटा सा डॉक्टर हूँ, कड़वी कुनीन मिक्सचर और मीठी बातों से इलाज करने की कोशिश करता हूँ। हम जब चले तो ये जहां आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। सारे गांव के बैल भदिया लोटा थाली गहना जेवर खेत खलियान सबके सर तुम्हारे खाते में बंद है, और इन सबके होते हुए भी तुम अपनी जवान बेटी से पानी भरवाते हो। ये लड़की जो हमारी दया की औस चाट कर पड़ी हुई है, हमारे बेटे और उसके भविष्य के बीच दीवार बन गई है। गिरा दो ये दीवार, ताकि फिर कोई लौंडी अपनी हैसियत से बड़े सपने देखने का हौसला न करे। इस एपिसोड में भी सुनील दत्त साहब की बातें जारी हैं। अदाकारी के साथ साथ सुनील दत्त ने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी हाथ आजमाए, और 1963 में डिफरेंट जॉनर्स की दो क्लासिक फिल्में बनाई, ये रास्ते हैं प्यार के और मुझे जीने दो। 1964 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई यादें, जिसमें वो इकलौते किरदार थे। साथ ही गुमराह, आज और कल, वक्त, खानदान, मेरा साया, मिलन, हमराज, चिराग और पड़ोसन जैसी फिल्मों की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर छाए रहे। ये पानी, ये ताजा हवा, ये फिजा, ये खुला आसमान आपकी सेहत के लिए एक ऐसी दवा है जिसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं जो रही, आपके लिए अपनी रियासत देना भी मुश्किल था, मगर आपने देश के लिए रियासत कुर्बान कर दी, क्योंकि आपको देश से प्यार था, मोहब्बत थी। क्या आप अपने बच्चों के प्यार के लिए अपने पुराने रस्म रिवाज और खानदानी विकार की कुर्बानी नहीं दे सकते? हर चीज पर उदासी, और अगर खूबसूरत हो भी तो किस काम की? जो नजारा मेरी आशा नहीं देख सकती, वो फीका है, बेरंग है, बदसूरत है। पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए, मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, पलकों की गलियों में तेरे बहारों के हंसते हुए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनफैक्ट महमूद की पड़ोसन में सुनील दत्त ने अपनी इमेज के बिल्कुल ऑपोजिट एक कॉमेडियन की भूमिका निभाई, जिसमें किशोर कुमार और महमूद के साथ उनकी केमिस्ट्री ऐसी रंग लाई कि पड़ोसन कल्ट बन गई। 1969 से 1972 तक राजेश खन्ना के हिट दौर में सुनील दत्त का क्रेज फीका पड़ता दिखाई दिया, बट ही री इन्वेंटेड हिमसेल्फ विद फिल्म्स लाइक हीरा, गीता मेरा नाम, 36 घंटे एंड जख्मी। अबे ओ बलाती गीदड़, मेरे लिए ना ये गांव पराया है ना गांव वाले, पराया तू है जो धनी राम के टुकड़े खा खा कर
शेर बनने की कोशिश कर रहा है। चला नीचे। पिताजी, सौगंध आपके चरणों की, जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लूंगा, आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। उनकी गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई और वो नागिन, जानी दुश्मन, पापी और मुकाबला जैसी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्मों में अपने से आधी उम्र की हीरोइनों के साथ एफर्टलेसली रोमांस करते नजर आए। अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए उन्होंने रॉकी डायरेक्ट की, लेकिन 1981 में फिल्म के रिलीज के 5 दिन पहले ही कैंसर की वजह से नरगिस का देहांत हो गया। सुनील दत्त की लाइफ में जैसे भूचाल आ गया। वो इस बात को लेकर ज्यादा बेचैन थे कि अपने 3 बच्चों की परवरिश में क्या वो माँ बाप दोनों की भूमिकाएं निभा सकेंगे, पर अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। मैं तो सारी रात सोया नहीं कि कब सुबह होगी और मैं अपने बाबू के पास आऊंगा। बाबू, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। साथ ही कैंसर पेशेंट्स के बेहतर इलाज के लिए उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की बुनियाद रखी। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दत्त साहब ने एक संजीदा फिल्म भी बनाई, दर्द का रिश्ता। डाउरी जैसे बर्निंग इशू को लेकर उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म बनाई, ये आग कब बुझेगी। सुनील दत्त का मानना था कि दर्शकों का प्यार और अपनापन ही किसी स्टार को कामयाब बनाता है, इसीलिए उसका भी ये फर्ज बनता है कि अपने चाहने वालों की भलाई के लिए कुछ करे, और उन्होंने ऐसा किया भी। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे की खातिर देश से दुश्मनी कर जाते हैं, 2000 के नफा के लिए देश का 10 लाख डुबो देते हैं। ऐसे लोगों को हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए। आपका ये समाज, ये जात जिस पर आपको इतना घमंड है, अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। नए जमाने के नए लोग आपको और आपके समाज को अपने पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे और इस अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना के चलते उनका झुकाव राजनीति की तरफ हो गया। 1982 में शेरिफ ऑफ बॉम्बे अपॉइंट होने के बाद दत्त साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और 1984 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। पॉलिटिशियन के तौर पर भी उनकी इमेज इतनी बेदाग रही कि अगले 20 सालों तक अपनी सीट पर बने रहे और आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर भी बने। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद सुनील दत्त को बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह बने उनके बेटे संजय दत्त। पहले संजय की ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम और फिर 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में उनके खिलाफ आरोप। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिताजी, उन्होंने गांव के लिए जितने अच्छे काम किए हैं, तुम अपनी हरकतों से उन सब पर पानी फेर रहे हो। इसी के चलते दत्त साहब बेहद तनाव में आ गए और जिंदगी के आखिरी पलों तक उससे मुक्त नहीं हो सके। वैसे उनका खुद का दामन हमेशा पाक साफ रहा। सोसाइटी में अमन चैन बनाए रखने के लिए वो लगातार कुछ न कुछ करते रहे। In fact, he was known for his commitment towards social work. मिसाल के तौर पे देखते हैं ये वीडियोस और तस्वीरें जिनमें वो कच्छ में भोजय हॉस्पिटल के एक नए विंग का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कुछ ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स का इनॉग्रेशन किया जिन्हें शेमारू ने भोजय हॉस्पिटल को डोनेट किया था। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, जिनकी वजह से मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, हालापुर के बुद्धिचंद भाई मारू, मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने गांव को भूले नहीं है, गांव के वातावरण को, गांव की समस्याओं को भूले नहीं है। मैं बहुत ही आपको दाद देता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप बम्बई जैसा शहर छोड़ के यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं और एक बहुत ही महान काम कर रहे हैं, जो कि हमको आज़ादी के बाद उसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए थी। गांधी जी ने एक बार यही कहा था, जब आज़ादी के बाद अगर देश को महान बनाना है, देश को इकोनॉमिकली और देश को दुनिया की नज़रों के सामने एक बड़ा देश बनाना है आप सबको, तो पहले आपको गांव सुधार करना चाहिए। गांव में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्कूल, और उसके साथ साथ गांव में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ जो है वो हमारे देश की बहनों का, बच्चों का ख्याल रखने वाला एक छोटा सा अस्पताल। क्योंकि अगर अच्छी सेहत है तो किसान खेतों में काम भी कर पाएगा, अगर बच्चों की अच्छी सेहत है वो अच्छा पढ़ पाएंगे, अगर वो बीमार ही रहता है बच्चा, अगर एक किसान जो है वो बीमार ही रहता है
हमारी बहन जो है हमेशा खटिया में पड़ी रहती है, तो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी, वो अपने परिवार को कैसे चलाएगी, और किसान खेतों में काम कैसे करेगा, बच्चा पढ़ेगा कैसे? अगर देश के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो ये सबसे बड़ा खजाना है। हमारे देश के बच्चे जो हैं वो हमारे देश का सबसे बड़ा एक जरिया है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। अगर हमारे देश का बच्चा अच्छी सेहत का होगा तो वो अच्छा शहरी बनेगा। और मैं आप सबको ये बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये जो काम है, ये जो अस्पताल है, मेरे हिसाब से ये एक मंदिर की तरह ये है हमारे लिए। और जैसे मंदिर में पूजा करने के लिए इंसान जाता है, अपने मन की शांति के लिए जाता है, ऐसे ही जो डॉक्टर हैं उनको मैं एक प्रीस्ट के नाते समझता हूँ। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ऐसे अस्पतालों में ये डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं। उनके सामने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सवाल नहीं होता, उनके सामने कोई जात पात का सवाल नहीं होता। जो भी मरीज आता है उसको देखेंगे, वो पूछेंगे तुम्हें बीमारी क्या, हम तुम्हारी बीमारी को दूर करेंगे। और ये जो काम दिया है मारू जी ने और आपकी संस्थाओं ने कि हमारी यहाँ की बहनों को सामने रख के, और सबसे बड़ा अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, हमारी जो छोटे छोटे गाँव की जो दाइयां हम बोलते हैं, जो उस जमाने में पुराने जमाने में वही होती थी जो बच्चा पैदा करती थी, उनको आप मॉडर्न ट्रेनिंग दे के अगर भेज रहे हैं गाँव में, उससे बहुत सी गाँव की हमारी बहनों की जाने बच सकती हैं। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप इतनी संख्या में आए यहाँ पे। एक छोटे से गांव में एक मेला सा लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे सोशली कमिटेड कार्यों के लिए उन्होंने कच्छ के लोगों की बहुत सराहना भी की। दत्त साहब ने कभी भी खुद को एक मैटनी आइडल के दायरे में समेट कर नहीं रखा, बल्कि वो हमेशा आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसके चलते उन्हें पद्मश्री के साथ साथ कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे सीन्स जो सुनील दत्त की बेमिसाल अदाकारी के गवाह बने। आप वहाँ से चले क्यों आए? और तुम क्यों चली आई? आप नहीं समझ पाएंगे। मैं समझ चुका हूँ। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें ये सब समझने की शक्ति हो। मुझ में है। वो तो सिर्फ एक बार की बात है, उसके लिए फिर इतना दुख क्यों सोचा? कम से कम तुम्हारी अम्मी का तुम्हें बेटी ना कहे, बेटी जैसी कहना। रो क्यों रही हो सजाता? तुम तो उपेन बाबू की ही लड़की हो। दुनिया में कौन है ऐसा जो इस सच्चाई को ना माने? आप मानते हैं? बेशक। एक बार फिर कही। एक बार क्या, मैं हजार बार कहूंगा। सच्चाई यही है कि तुम उपेन बाबू की बेटी हो। अच्छा सुझा था, तुम्हारा जन्मदिन कब है? खो गया कहीं अंधेरे में। मैं समझा नहीं। जब इतना कुछ आप समझ सके तो ये क्यों नहीं समझ पाते कि मेरे जन्मदिन का पता किसी को नहीं? मैं कहता हूं कि है। किसे? आकाश की झिलमिलाते तारों। उस दिन भी आकाश के तारे इसी तरह बिखरे पड़े झिलमिला रहे थे। अच्छा सुजाता, अगर कहूं कि उसी जन्मदिन का तोहफा तुम्हें देना चाहता हूं तो कबूल करोगी? बोलो ना सुजाता। मुझे मिल गया है। तुम नहीं जानती हो हेमा, कितनी मुश्किलों से मैंने वो दीवारें गिराई थी जो तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी, वो जंजीरें, वो बंधन तोड़े थे जिनमें तुमने अपने आप को जकड़ रखा था। और आज फिर तुम वापस उसी दुनिया में जा रही हो। मौत का ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग पर फिर से छाने लगा है। संजय, हेमा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, उस पर मेरा भी हक है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं,
जब मैं आने वाले कल के बारे में सोचता हूं, जब भी अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर करता हूं, तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। वो दिन बहुत दूर नहीं जब हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हें उस दिन का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ इन बातों को संजय। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में खुशी नहीं होती। तुम उन लोगों में नहीं हो। तुम उस मंजिल से गुजर गई हो जहां नाउम्मीदी रास्ता रोक के खड़ी रहती है। हेमा, वादा करो कि अब तुम कभी निराश नहीं होगी, जिंदगी से कभी नाउम्मीद नहीं होगी। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ संजय, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। हिजाइनेस मेरी जान ले सकती है। मैं हर खतरे का मुकाबला करने के लिए यहाँ आया हूँ और उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगी। कहो हेमा कि तुम मेरा इंतजार करोगी। कहो कि तुम जिंदगी से कभी ना उम्मीद नहीं होगी। कहो कि तुम कभी दुखी कभी परेशान नहीं होगी। वादा करो हेमा, वादा करो। तुम्हें मेरी कमाई पर अगर इतना ही शक था, तुम इसे पहले क्यों नहीं पूछा? मां सुनिए, पिताजी, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रातों को जाकर मैंने एक किताब लिखी थी जो हम हिंदुस्तानी के नाम से मशहूर हुई और 3 महीने में इस किताब की 50,000 कापियां बिक चुकी हैं। इसके अलावा मैंने शेयर्स बेचे, किताबें बेची, मजदूर सप्लाई किए, डॉक्स पर काम भी किया और यहां तक कि लोगों के मन बहलावे के लिए मैंने स्टेज पर खड़े होकर गाना भी गाया। मैं जानता हूं कि इनके लिए तो मेरे मुंह की बात ही काफी है, लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं सारे कागजात दिखाऊंगा, पूरा सबूत दूंगा। चलो मेरे साथ। और ये वो किताब जिससे अब तक मुझे 10,000 रुपए मिल चुके हैं, लो देखो। देखते क्यों नहीं? कहां से घर का खर्च चला, कहां से सारा कर्ज उतरा, इलाज के पैसे आए, कहां से मां के गहने लौटे, और तुमने इतनी आसानी से मुझे चोट में लिया। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की भैया। और इंसान को उसकी गलती की सजा मिलती है। तुमने अपनी बेवकूफी से जो इल्जाम मुझ पर लगाया था उससे तो मैं मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अपनी नादानी से तुमने अपने खानदान को जो बेइज्जत किया, माँ बाप के दिल को जो दुख पहुंचाया, अपने बड़े भाई को चोर समझकर जो घर पार किया, उसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लाश नहीं मिली, ये साड़ी लाया हूं ताकि तुम्हें यकीन हो जाए आशा मर गई है। आशा मर गई? ये सब कैसे हो गया बेटी? आशा की मौत की खबर सुनकर तुम हैरान हो रही हो। तुम जिसने अपनी जबान से उसे मौत का हुक्म सुनाया। ये झूठ है, ये गलत है आदे। तो सिर्फ इतना बता दो तुम रात वहां क्या करने गई थी? क्या कहा था तुमने मेरी आशा को? क्या कहा था तुमने? क्या कहा था तुमने मेरी आशा को? अजय, अजय मेरे बेटे। मुझे बेटा ना कहो, मेरे लिए मेरी आशा मर चुकी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा। अजय, तुम माँ को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। माँ, जिस तरह मेरी दुनिया उजड़ गई है इस तरह तुम्हारी हवेली भी उजड़ जाएगी, और तुम अकेली सुनसान हवेली में चीखोगी चिल्लाओगी लेकिन कभी कोई आवाज नहीं आएगी। रामगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछली 7 पुश्तों से हमारे खानदान ने इंसाफ की परंपरा को अपना खून पिला पिला कर जिंदा रखा है। यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि इंसाफ और सच्चाई की हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की बाजियां लगाई हैं, लेकिन इंसाफ के पाक दामन पर कभी दाग नहीं लगने दिया। इस जागीर के जर्रे जर्रे पर लिखा है, इस हवेली के इंसाफ ने किसी मजबूर को मायूस वापस जाने नहीं दिया और ना ही किसी जालिम को माफ किया है, चाहे वो कितना ही दौलतमंद और ताकतवर क्यों ना हो। यही वजह है कि इस इलाके के लोग कानून के पास जाने से पहले इंसाफ मांगने के लिए इस हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आज
इस कमबख्त ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस जागीर की सदियों पुरानी रवायत को ललकारा। शायद ये भूल गया था कि सच के असूलों की रखवाली के पहरेदार का नाम है ठाकुर विक्रम सिंह, और ठाकुर विक्रम सिंह के जीते जी इस हवेली के इंसाफ को ठुकराने वाला सूरमा आज तक किसी मां ने पैदा नहीं किया। दत्त साहब की लास्ट फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, जिसमें उन्होंने संजय के फादर का रोल निभाया। उनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आईं, उन सब का उन्होंने मुस्कुराते हुए सामना किया और फाइनली 25 मई 2005 को एक नेता, अभिनेता और एक बेहतरीन इंसान सुनील दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया से गुजर जाने के बाद मेरे बारे में लोग यही कहने चाहिए कि एक अच्छा इंसान चला गया। आदमी हवेलियों, जागीरों और दौलत से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसका किरदार बड़ा है, जिसके आदर्श ऊंचे हैं। लोग आज भी मानते हैं कि एक आम इंसान के सुख दुख में मौजूद रहने वाली दत्त साहब की शख्सियत उनके फिल्मी कद से कहीं बड़ी थी। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। स्क्रीन लेजेंड्स के नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।